रिश्मा विशा मनोस्थिति जीवन के अंतम पड़ा च इंसान की मनोस्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण होंगी है। साडे इतिहास में इस दियां दो उल्ट मिसालां देखने को मिलदियां हन। एक रामायण काल में जटायु अते दूजे महाभारत काल में भीष्म पितामा। जटायु अंतम समय संतुष्टि नाल मौत नूं गले लगाउण लई तैयार सन। उत्थे ही भीष्म पितामा अंतम समय भयंकर पीड़ा चो लंघ रहे सन। असल विच सीता हरण दौरान एक नारी की इज्जत की रक्षा लई जटायु ने रावण का विरोध किया सी। उत्थे ही भीष्म समर्थ अते शक्तिशाली होण दे बावजूद चुपचाप अपनी कुल नूं दे भरे दरबार विच होए अपमान नूं देखते रहे। रणभूमि विच भीष्म नूं तमाम तीर लगे अते तीरां दी सेज ते पए पए उन्हां नूं असह पीड़ां चों लंघना पिया। दार्शनिकां मुताबक उन्हां नूं इह पीड़ां जख्मां कारण नहीं सगों उन्हां जिम्मेवारियां कारण हो रही सी जो उह चाह के भी पूरियां नहीं कर सके सन। उन्हां दा जीवन मिसाल है कि जे समर्थ हो तां अधर्म दा विरोध जरूर कीता जाणा चाहीदा है। जीवन दे सुखावें समें विच मनुख अपने तर्क कुतर्क नाल गलत नूं भी सही ठहराउंदा रहिंदा है, पर अंतम समय जद उसकी शक्ति घट जाती है तद उसके अनैतिक काम अते उन्हां प्रति दिखाई गई उदासीनता भारी पीड़ां दे रूप विच उसनूं जरूर दुखी करती है। उत्थे ही जीवन विच सच अते नैतिकता दा साथ देण वाले व्यक्ति नूं अंत समय परम आनंद अते शांति दा अहसास हुंदा है, जिवें कि जटायु एक पंछी हुंदे होए भी कर रहा सी। अजिहा प्राणी अपनी मौत नूं भी खुशी खुशी गले लगाउंदा है, पर अनैतिक काम करन वाले व्यक्ति अनजाणे भय कारण मौत दे समय भारी मानसिक पीड़ा दा सामना करते हैं। इन्हां दोवां मिसालां तों स्पष्ट हो जाता है कि मनुख नूं जीवन विच अनैतिक अते बुरे कम्मां नूं नहीं करना चाहीदा अते ना ही उन्हां दा साथ देना चाहीदा है, तां कि अंत समय उह अपने साफ अते सरल हिरदे नाल बिना कोई बोझ लए इस संसार तों विदा लै सके, जिवें कि जटायु ने कीता सी। धन्यवाद।